माशाल्लाह आज कोटला अलीजा के अंदर मस्कती फैमिली की जानिब से सुल्तान मस्कती के फर्जंद सलमान मस्कती आप जिम का शुरू किए हैं और आज उसका इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताह के अंदर हमारे सोहेल खादी कारपोरेटर हल्के हाजा सुल्तान मस्कती तमाम उनके भाई हैं और तमाम उनके फर्जंदान इस प्रोग्राम में है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आजकल नौजवानों को सेहत बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। अगर नौजवान इस जिम के करेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि आज नौजवान गुमराह हो रहे हैं, इसीलिए इस इलाके के अंदर इस जिम की बेहद ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिम कायम किया गया मेरी जानिब से और यहाँ पर इससे कबल भी मार्शल आर्ट भी कायम किया गया था। सदर मोहतरम नखिब मिल्लत अल्हाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवेई साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जिम डाला गया हमारे ये जो जिम है हमारे सुबान साहब की सरपरस्ती में चलाया जाएगा। मैं मेरी जानिब से इन मस्कती बिरादरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज ऐप जिम की तरफ से सलमान मस्कती को और सुबान को और उनके ब्रदर्स को सबको मुबारकबाद देता हूँ जो पुराने शहर में फिर एक बार मार्शल आर्ट के साथ साथ ये क्योंकि जिम लगाए हैं। आज मुमताज़ खान एमएलए साहब और सोहेल खादरी साहब और मस्कती ब्रदर सब मौजूद थे यहाँ पर अल्लाह करम से। ये जिम तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जिम है अल्लाह करम से। और एक ख़ास बात यह है कि मैं ख़ास तौर पे पुराने शहर के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा तदाद में आकर अपने जिम अपनी सेहत का इस्तेमाल करिए। जो लोग आज यहाँ पर पुराने शहर में ग्राउंड्स तो ज़्यादा नहीं हैं, कम से कम अपनी सेहत के वास्ते ये जिम का इस्तेमाल करिए। और इसमें लेडीज़ भी है, लेडीज़ के भी टाइमिंग्स है, तो मैं लेडीज़ से भी गुजारिश करता हूँ और जेंट्स से भी ख़ास तौर पर नौजवान बच्चों से जो रोडों पर बैठकर रातों में जो फिर रहे हैं उन लोगों को भी ये गुजारिश करता हूँ कम से कम आप लोग जिम करेंगे तो थक के जल्दी घर में जाकर सो जाएंगे। और जिम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी नियामत है अल्लाह ताला हमारे को दी, सो सेहत एक ऐसी नियामत है जो जिम करने से हमारे को मिलती है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए और जिम में अपनी सेहत बनाइए, क्योंकि सेहत एक सब में बड़ी राज ये है कि हमारी सेहत रहेंगी तो हम अच्छे रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बाद नमाज असर मोहतरम एमएलए जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब के हाथों से यह जिम का इनाग्रेशन ऐप्स जिम का इनाग्रेशन अमल में आया। यहाँ पर अली मस्कती साहब और तमाम मस्कती फैमिली के बरदरान यहाँ पर मौजूद थे और मैं जनाब सलमान मस्कती साहब और सुबान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ स्टार कराटे क्लब का मोथाई का यहाँ बाजू में यहाँ एक सेंटर है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। फिर और यहाँ आने के बाद पता चला कि इतना बेहतरीन इक्विपमेंट्स है यहाँ पर। और जैसा अली भाई ने कहा है कि तमाम नौजवानों से मेरी भी गुजारिश है, मैं इल्तमास करता हूँ शहर हैदराबाद के नौजवानों से, हमको इस दौर में आज के हिंदुस्तान में अगर ज़िंदगी गुजारना है तो ताकतवर बनना ज़रूरी है। और ताकतवर बनना है तो घर में बैठ के या चबूतरों में बैठ के हम ताकत हासिल नहीं कर सकते। आइए मैदानी अमल में आइए, यहाँ पर जिम के साथ साथ यहाँ पर मोथाई है, मार्शल आर्ट का भी इंतज़ाम है और यहाँ पर आके अपनी सेहत को बनाइए। और जब आप ताकतवर रहेंगे तो आप अपने घर की भी हिफाजत करेंगे, हमारी कौम की हिफाजत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। मैं तमाम जितने लोग यहाँ हैं आपके चैनल के ज़रिए मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि आइए जहाँ करीब है वहाँ आइए और यहाँ पर ख़ास तौर से जो इक्विपमेंट्स है यहाँ पर एक मरतबा एटलीस्ट आप आके देखिए यहाँ पर कि नौजवान बच्चे नौजवानों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उनको सराहने के लिए आप तमाम का यहाँ आना ज़रूरी है। मैं फिर एक मरतबा सलमान और सुबान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये अल्लाह ये बच्चे जो नेक नियति से शुरू करे काम इसमें खैर बरकत अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये कोटला अलीजा कोटला मस्कती सुपर मार्केट के ऊपर फोर्थ फ्लोर पे है ये
और इंशाल्लाह लाजिम आपका चैनल इतना मशहूर है यार, इंशाल्लाह सब मालूम हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरा नाम मोहम्मद तफीदुल सुभान, मैं तेलंगाना मोहित है एमएमए का हेड कोच और मैनेजिंग पार्टनर ऑफ स्टार मार्शल आर्ट फिटनेस क्लब एंड ऐप जिम। माशाल्लाह आज जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब एमएलए चारमीनार एआईएमआईएम के हाथों से माशाल्लाह आज इनॉग्रेशन अमल में आया, जो ऐप्स जिम आर्ट ऑफ बॉडी स्कल्पिंग जो माशाल्लाह बीइंग स्ट्रॉन्ग का इक्विपमेंट है, एक बहुत बेहतरीन ब्रांड है। तो हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करें, ऑलरेडी अढ़ाई साल पहले यहाँ पर मार्शल आर्ट का इनॉग्रेशन किया गया था जनाब नसीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन अवीज साहब के हाथों से। अब इसके बाद हम लोग एक्सटेंशन करके यहाँ पर जिम इनॉग्रेशन करें तो ऑलमोस्ट 6000 स्क्वायर फीट पे है, तो बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। मैं जितने भी सुन रहे हैं मेरी व्यूअर्स, मेरी बात आप लोग यहाँ पर आइए, इस्तेफादा उठाइए माशाल्लाह, और फिट रहिए। आप रहेंगे फिट तो इंडिया विल बी फिट। और दूसरी चीज़ आखिरी में ये बोलूँगा कि मैं ड्रग्स जो आजकल आम खास चल रहा है, हम उसकी अब से नए ज़माने से मेरे वालिद मोहतरम जनाब हाफिज़ ख्वाजा मोहम्मद सलाहुद्दीन जावेद साहब जो 54 ईयर्स से मार्शल आर्ट को प्रमोट करते रहे, हम लोग भी कर रहे हैं माशाल्लाह, तो उसी सिलसिले में हम लोग को फोकस कर रहे हैं बच्चों को सेहत के लिए, क्योंकि ड्रग्स को अवॉइड करना है। और खासतौर बॉडी बिल्डिंग में इंशाल्लाह हम लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें अक्सर नौजवान नस्ल स्टेरॉइड्स हुए गलत उसमें चल जा रहे थे, उसमें तबीयत बहुत ख़राब हो जा रही थी, गुर्दे भी फेल हो जा रहे थे। तो हम लोग को ये पूरे चीज़ों को अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम लोग कुदरती बॉडी बिल्डिंग यानी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे साथ ही साथ डाइट के साथ। तो ऑन बिहाफ ऑफ स्टार एंड ऐप्स जिम, मैं तमाम का जितने भी चीफ गेस्ट है और मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इनॉग्रेशन के कुछ ऑफर्स है क्या? जी हाँ, अभी ऑफर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग एक्चुअल प्राइसिंग 3000 है, बट हम लोग ऑफर में 2000 रुपीज पर मंथ, और ईयरली जो पैकेज रहे 25000 है, ऑफर में 15000 जो 2 मंथ्स एड ऑन होंगे, 14 मंथ्स हम लोग पैकेज में दे रहे जिम प्लस कार्डियो, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में मुई थाई, एमएमए, किक बॉक्सिंग, कराटे, जुजुत्सु एंड क्रॉसफिट, साथ ही साथ डाइट कराटे, और लेडीज़ का भी हम लोग सेपरेट बैच रखे हैं। इंशाल्लाह जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, लेडीज़ भी आइए, बच्चे भी आइए, ज़ईफ़ हजरात भी आ सकते हैं, यानी पूरा आपको पूरा सेटअप एक टॉप रूफ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। टाइमिंग जो रहेंगी फजर के बाद इंशाल्लाह 5:30 बजे से लेके 12 बजे तक बच्चों का रहेगा, उसके बाद इंशाल्लाह 12 से लेके 5 बजे तक असर तक सेपरेट लेडीज़ बैच चलेंगे मार्शल आर्ट प्लस जिम भी इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आपको 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बच्चों का रहेंगे इंशाल्लाह, और जेंट्स का पर्सनल ट्रेनिंग के भी हम लोग कोचेस को हायर करे हैं माशाल्लाह, वही वेल बेहतरीन एक्सपीरियंस वाले कोचेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे चांदनार के करीब हम लोग आज नए जिम का इनॉग्रेशन किए हैं, ऐप्स जिम आर्ट ऑफ बॉडी स्कल्पिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ऑलमोस्ट हैदराबाद में वन ऑफ द बिगेस्ट जिम रहने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल से हम लोग मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, अभी हम लोग नया हम लोग का एक वो सेगमेंट लॉन्च किए जिम का, जिसमें मार्शल आर्ट के साथ अब जिम भी ज्वाइन हो सकते बच्चे। अब तक क्या था, सिर्फ जो सो छोटे बच्चे या जो एथलीट से वो लोग ज्वाइन कर सकते, अब क्या है आम का हर जने आके हमारे जिम पर फ़ायदा उठा सकते हैं। छोटे बच्चों से लेके 2 साल की उम्र से हम लोग, 3 साल की बच्ची है हमारे पास जो ट्रेनिंग ले रही है मार्शल आर्ट्स में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ईफ़ लोग भी आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो आजकल घर में बैठे बैठे जिसके अपनी हड्डियाँ कमज़ोर कर रहे हैं या जिसको सिर्फ खाली फ़ोनों पे रह रहे हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एज ग्रुप के वास्ते एक वो आसानी हो गई समझे, जो यहाँ पर एक ही रूफ टॉप में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल गई हमें। हमारे पास स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, ग्रुप ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, कार्डियो, और जितने भी अलग 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 हम लोग के एथलीट्स के लिए रिक्वायरमेंट है, यानी कि अब तो हम लोग आगे जाके पावर लिफ्टिंग वगैरह भी ऐड करने वाले हैं इंशाल्लाह, जो कहीं भी हैदराबाद में वो स्पोर्ट्स में रहने वाला है। अभी मैं भी जो है सो खुद एक पर्सनल ट्रेनर हूँ और इंजीनियर भी हूँ, खैर इंजीनियर के साथ साथ ये मैं खुद का एक पैशन समझिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा सपने के दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ही उसमें पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चार मीनार के बहुत ही नज़दीक, 0.5 किलोमीटर भी नहीं बोलना, मस्कती सुपरमार्केट के 4th फ्लोर पे, ये मस्कती सुपरमार्केट का लो मस्कती डेयरी तो आप सबको पता ही अल्हम्दुलिल्लाह, उसके सामने ही है समझे मेन रोड पे अलीजा कोटले पे जी। जज़ाकअल्लाह। अब मैं सबसे गुजारिश करता हूँ प्लीज़ आइए, और नौजवान को ख़ास तौर से जो घर में बैठे और एथलीट बनना चाह रहे, अब तो एथलीट के साथ साथ ताकतवर बनना चाह रहे, प्लीज़ आइए, भरपूर फ़ायदा उठाइए ये जिम बोल के नहीं, जो घर में बैठे प्लीज़ उन लोगों को मैं सबको बोलना चाहूँगा,
भाई आप लोग आजकल फोन आ गए, रातों में बैठ रहे हैं, नींदा खराब कर रहे हैं, आजकल तो ड्रग्स ये वो इतना आम हो गया, स्कूलों में तक आम हो गया। मैं चाह रहा हूँ अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है अपनी स्पेशली लोगों को यहाँ पे, तो उन लोगों को एवरी डे एक्टिविटी होना, कम से कम आधा घंटा इससे आइए उन लोगों को, सिर्फ आधा घंटा ही एक्सरसाइज करके जाइए, आधे घंटे के अंदर आपकी बॉडी आपको खुद एक महीने के अंदर पहचाने ले जाएगी। और यहाँ पे पर्सनल डाइट भी हम लोग दे रहे हैं इंशाल्लाह, विदाउट एनी मतलब बाहर दूसरे जिमों में खैर ये ले लो वो ले लो वैसा कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं रहेंगे, आपको बॉडी बनाना है करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है बॉडी बनाने। अब आपको बोल दिया कोई एक महीने बॉडी बन जाती भाई, वो बॉडी नहीं है, वो कोई समझ जाओ आगे क्या है, वो बॉडी बनाने का एक वो है सिस्टम है, कम से कम 3 से 6 महीने देना पड़ेगा आपको आपकी बॉडी के अंदर। आप 2 साल 3 साल घर में बैठेंगे पेट निकाल लेके आप 1-2 दिन में बन जाएंगे बोले, ऐसी बॉडी नहीं बनती, वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा दिखता, बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, 2 साल के पेट की बैठने की मेहनत यहाँ पे भाई 1 महीने में नहीं बन सकती, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बस आइए एक्सरसाइज करिए, थैंक यू वेरी मच।